हफ्ते भर देश विदेश में वापरियां गतिविधियां दे सार दे नाल मैं हाँ मनिंदर करेवाल तुसी देख रहे हो प्रोग्राम खबर सार हफ्तावार स्पॉन्सर्ड बाय बीकानेर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। शुरू करते हैं कैलगरी के नाल। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में हुई भयानक गड़ेमारी नाल 20,000 के करीब घर नुकसाने गए, गड्डियां का भी नुकसान होया ते 1 बिलियन डॉलर तक के नुकसान की गल कही गई, पर अल्बर्टा सरकार नूं लगता है कि सिर्फ 400 घर अते बिजनेस मालकां नूं ही मदद की लोड़ है, बाकियां वास्ते तां इंश्योरेंस कंपनियां बैठिया ने। अज डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान करदिआं अल्बर्टा सरकार ने कहा कि हालात का अजे जायजा ही लिया जा रहा है। 2 हफ्ते हो गए ने, लगभग रोजाना मीह पै रहा है ते गड़े एक बार होर भी पै गए ने। नुकसाने गए घर गड्डियां दे मालक साह सूत के बैठे ने ते अल्बर्टा सरकार जायजा ले रही है, मदद की जाएगी पर किन्नी रकम दी जाएगी उस सरकार ने अजे भी नहीं दस्या। We will be working with the city of Calgary on the details of the disaster relief program response and funding in addition to the cost of emergency response and in addition the potential payments to support uninsurable damage I should say to uninsurable private property. अल्बर्टा यूनियन ऑफ प्रोविंशियल इंप्लॉयज़ ने इस हफ्ते अल्बर्टा सरकार दे बिल 1 नूं चुनौती दे दित्ती। दरअसल जेकर मुजाहराकारी किसी एनर्जी प्रोजेक्ट, हाईवे या रेलवे नूं नुकसान पहुंचाते ने तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस एक्ट तहत उन्हां नूं $1,000 तो $25,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया की वेट्सवेटन फर्स्ट नेशन विच विछण वाले कोस्टल गैस लिंक के खिलाफ देश भर में इसे साल रोस मुजाहरे हुए सन ते यही हाल अल्बर्टा विच भी होया सी, जिस तो डर के अल्बर्टा सरकार यह बिल लैके आई सी। कौड़ी है पर सच्चाई है कि कैनेडा भी रेसिज्म तो अछूता नहीं है। ओंटारियो के मॉल्टन इलाके के रहने वाले स्किजोफ्रेनिया के मरीज तुरन फिरन विच असमर्थ 62 साला एजाज चौधरी की मानसिक हालत ठीक न होने के चलद्या लंघे शनिवार उन्होंने परिवार ने नॉन एमरजेंसी नंबर से कॉल की थी। पुलिस अधिकारी बगैर क्राइसिस नैगोशिएटर के एजाज के घर में पहला तो दाखिल होए, फिर उसको शांत करने लिए पहला रबड़ दी गोलियां मारिया तो पिछों असली गोलियां मार के उसकी जान ही ले ली, सिर्फ इस शक की बिना पर कि उस को हथियार न हो। पब्लिक इंक्वायरी की मांग करने वालों ने यह सारा हफ्ता सड़कों से चक्का जाम रखा। मरहूम एजाज चौधरी के भरा रिफाकत चौधरी का कहना है कि पुलिस की इस वधीकी मगरों उनका पूरा परिवार सहम गया है। हमारा भाई तो हमें दुनिया अब वापस नहीं मिल सकता, लेकिन हम चाहते हैं हमारी सारी कम्युनिटी है, हम कहते हैं कनाडा हमारा बहुत अच्छी कंट्री है, इसका अमज जो है दुनिया में बहुत अच्छा जाना चाहिए, ये प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए हमारे मुल्क पे, क्योंकि हम बेस्ट कंट्री है हमारी दुनिया में से। उधर इसे हफ्ते न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की गर्दन द्वाले बांह लपेटन के दोष हेठ सस्पेंड हो गया। दरअसल बांह कुछ इस तरीके नाल लपेटी हुई सी कि व्यक्ति का सह रुक सकता सी। अधिकारी शायद भूल गया सी कि NYPD विच चोक होल्ड बहुत साल पहला ही बैन हो गई है। वावे एग्जैक्यूटिव मैंग वांजो की कैनेडा विच गिरफ्तारी और US नूं सपुरदगी दीआं तैयारियां ते चीन चिड़ गया है, पर उसने प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो नूं उल्टा वह इल्जाम वापस लैण लई कहा है कि चीन ने बदले की भावना नाल कनेडियन नागरिकां माइकल कोवरिंग और माइकल स्पेवर नूं जासूसी के इल्जाम तहत गिरफ्तार किया। प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिता है कि चीन की गलत फहमी है कि कैनेडा उन्हां दोहां की रिहाई बदले मैंग की रिहाई का वट्टा सट्टा करेगा। Within the very first few days of the detention of Michael Kovrig and Michael Spavor, Chinese officials were highlighting a link between the detention a week before of Madame Meng and the arrest of the two Michaels. 12 सैनेटर्स ने प्राइम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिख के इसे हफ्ते चीन खिलाफ सख्त सैंक्शनस लाए जाने की सिफारिश की, पर 18 सियासतदान और डिप्लोमैट्स वह भी ने जिन्हें वावे एग्जैक्टिव नूं चीन के हवाले करके सारा रेड़का ही खत्म कर देने की सिफारिश की है। US प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने वीकेंड से COVID-19 दौरान दुनिया का सब तो वड्डा कहा जाता इनडोर इकट्ठ करके विखाया। लंघे शनिवार ओकलाहोमा के शहर टल्सा विच ट्रंप ने रैली करके अड्डियां चुक के फाहा लैण वाली कहावत सच करके विखा दी। दावा किया जा रहा है कि 10 लाख व्यक्ति इस रैली विच आउण नूं तरलो मच्छी होए पए ने। मास्क पाउणा या ना पाउणा, शरीरक विथ बनाउणा या ना बनाउणा उन्हां दी मर्जी ते छड्ड दिता गया ते नाल ही कहा गया कि रैली करके जेकर कोई COVID-19 पॉजिटिव हो जाए तो बेशक ट्रंप सरकार ते मुकदमा कर दें, पर नतीजा बिल्कुल उल्ट होया। हजारां सीटां खाली सन ते ट्रंप दे अपने ही प्रबंधकां विचों कई हुण COVID-19 पॉजिटिव निकल आए ने, पर ट्रंप रैली फेल होण दा सारा ठीकरा मीडिया सिर भन दिता गया। उठ ना सका फिटे मूंह गोडियां दे। एक गल होर, कोरोना वायरस नूं चाइनीज़ वायरस कह के बुलाउंदे ट्रंप ने एक बार फिर उसनूं कंग फ्लू कह के बुलाया ते कहा कि इस विच कुछ भी रेसिस्ट नहीं है। Has more names than any disease in history.
I can name Kung Flu, the Chinese virus. ट्रंप सरकार ने यूएस दे बाहर जारी हुंदे ग्रीन कार्ड्स दे नाल नाल H1B वीजा, H2B वीजा, J1 अते L1 वीजा दे इस साल दे अंत तक रोक ला दित्ती है। इस नाल ट्रंप मुताबक इस वेले इन्हां नौकरियां दी अमरीकियां नूं ज्यादा लोड़ है ते उन्हां दे घर चलणगे। इस कदम नाल 5 लाख तों वध अमरीकियां नूं नौकरी मिलेगी। कारोबारी संगठनां, संसद मैंबरां अते मनुखी अधिकारां दीआं जथेबंदियां वलों विरोध दे बावजूद ट्रंप ने एक कर विखाया। Their jobs in order to battle the virus and save the lives of our fellow citizens. We have a solemn duty to ensure these unemployed Americans regain their jobs and their livelihoods. Therefore, in order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. US nu ek var fer chete aa gaya hai ki Canadian aluminum to US di market nu bahut vadda khatra hai. Canadian aluminum te tariffs di taiyari chal rahi hai te khatra Canadian aluminum industry te manrona shuru ho gaya. Ji Rishi ji ki keh reha hai America? ਹਾਂ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਈ ਰੱਖਿਆ, 5 ਦਿਨ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੈਫਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। Those vegetables you're eating is because of these migrant workers. Those fruits that you're eating that we can grow in greenhouses because of the migrant workers. And if you don't appreciate the migrant workers, then you go out in the fields and start working your back off when it's 100 degrees out in the middle of the summer. Brazilian President Jair Bolsonaro nu is vara akk ke ek federal judge ne hi keh ditta ki ya ta oh jantak thahan te face mask pauna shuru kar den, nahi ta har rozana $400 da jurmana bhugatna payega. Darasal Bolsonaro WHO nu bilkul pasand nahi karde te oh kehnde ne ki munh takna bilkul vi zaruri nahi hai te ise mamle vich oh apne do health ministers nu vi kad chuke ne. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਏ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।